हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं टेक गुरु सौरभ हिंदी चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोगों को बताऊंगा कि जो क्रेडिट कार्ड होता है उसका बिल जो है आप कैसे पे कर सकते हैं ऑनलाइन। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आप अपना ऐप जो है लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे एंड ट्रांसफ़र में जाना होगा। उसके बाद आप यहाँ पे ऊपर ऑप्शन देख पा रहे होंगे, कार्ड बिल पेमेंट, आपने इसमें क्लिक करना है। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पे आउट स्टैंडिंग बैलेंस टोटल दिखाई देगा और जो बिलिंग अमाउंट ड्यू होगा, जो आपका मतलब ड्यू पेमेंट होगा जो आज की डेट में आपको करना होगा, वो आपका दिखाई देगा। और जो मिनिमम बैलेंस होगा वो आपको दिखाई देगा। लेकिन ध्यान रहे, आपने मिनिमम बैलेंस नहीं करना है, आपने बिल अमाउंट जो ड्यू डेट ड्यू अमाउंट होती है वही आपने करना है। इस अमाउंट को आपने क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आपने ऐड कर देते हैं 8324.36, ये पेमेंट हमने ऐड करना है। अब ये पेमेंट ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे जो है सिंपल से मेक पेमेंट में क्लिक करना है। अगर ये आप पूरी पेमेंट नहीं करना चाहते, सिर्फ आप इसमें कर देंगे टोटल अमाउंट ड्यू में क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो आ जाएगा इस तरीके से। उसके बाद आपने जो है मेक पेमेंट में क्लिक करना है। मेक पेमेंट में क्लिक करने के बाद कुछ समय के लिए प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद आपके सामने यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे पेमेंट डेस्क वो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे जो है किसके द्वारा करना चाहते हैं, यूपीआई के द्वारा करना चाहते हैं, क्यूआर कोड के द्वारा करना चाहते हैं, या डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग, जैसे ही आपको आसान रहे। तो सबसे आसान तरीका होता है आप यूपीआई के द्वारा भी कर सकते हैं या जो है क्यूआर कोड के द्वारा कर सकते हैं। तो क्यूआर कोड में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको जो है सेलेक्ट क्यूआर कोड भीम यूपीआई, उसके बाद यहाँ पे मेक पेमेंट में क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप इस तरीके से क्लिक करेंगे आपके स्क्रीन में एक क्यूआर कोड आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, किसी भी थर्ड फोन से आपने उस क्यूआर कोड को स्कैन करना है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास दूसरा फ़ोन है, मान लेते हैं हमारे पास ये दूसरा फ़ोन है, हमने क्या करना है इसको इस तरीके से जो है स्कैन करना है। जैसे स्कैन करेंगे सेम अमाउंट आपके यहाँ पे उस एप्लीकेशन में आ जाएगी, बस आपने जो है कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद कंफर्म में क्लिक करना है। जैसे आप कंफर्म करेंगे आपके सामने यहाँ पे पिन ऐड मांगेगा, वो आपने पिन ऐड करना है। पिन ऐड करने के बाद कंफर्म में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये पेमेंट जो है डन हो चुकी है आपकी स्क्रीन से। अब उसमें जो है इस एप्लीकेशन में देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ही उस एप्लीकेशन से स्कैन किया पेमेंट डन हो गई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। 2 दिन के अंदर अंदर आपकी पेमेंट जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि जो है हो सके तो आपको जैसे 4 तारीख डेट है तो 2 दिन पहले ही करना सही रहता है, क्योंकि कभी कभी प्रोसेस होने में टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके जो है चार्जेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से आप जो है अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ना भूल करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।